नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज ने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी। उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत कई दिनों से लगातार, मतलब 6 या 7 दिनों से पहले बहुत ज्यादा लेट में सोते थे और दिन में अगर उठते भी थे तो दिन में भी सो जाया करते थे। ये बात जो है, ये सुब्रमण्यम स्वामी के जो बयान उसने दिया था, जिस प्रकार उसने ये बात कही थी कि दुबई से एक प्रकार का ड्रग डीलर जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर 13 और 14 को आया था उनसे मिलने, इस बात की तरफ इशारा करती है। और इसमें आज अब देखने को मिल रहा है कि ईडी में रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से फंसती जा रही है। इस दलदल के जाल में केवल रिया चक्रवर्ती नहीं है बल्कि उससे जुड़े हुए इतने तमाम लोग हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। और आज के डेट में एक और चैट लीक हो गई है जिसमें रिया चक्रवर्ती और जया से बातें की गई है व्हाट्सएप चैट में। हालांकि लगातार चैट वायरल हो रही है, लेकिन ये जो चैट है इसमें साफ तरीके से केवल एक आदमी का जिक्र है, उसे वो इस प्रकार का जिक्र है। चलिए मैं सबसे पहले उस चैट को पढ़ता हूं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन है और ये समझने की कोशिश करते हैं। 25 नवंबर 2019 को ये जो चैट जो उन्होंने किया है, रिया और जया ने, इन दोनों बीच की जो चैटें हैं वो सामने देखने को मिल रही है। रिया ने कल की चैट मैंने आपको उस वीडियो में दिखाई थी, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, लेकिन आज की चैट में देखें कि रिया ने बढ़िया किया तुमने ये सामान भेजा, बार बार एक सामान का जिक्र आ रहा है। पिछली वीडियो में भी आपने देखा था एमडीएमए और एमडी नाम आया था, जो एक एक ड्रग और नारकोटिक्स ब्यूरो के जो वर्ड होते हैं उससे ये रिलेटेड करता है। और फिर जया ने इससे कहा इससे कुछ फायदा हुआ। आज की चैट में जो खुलासा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद रिया ने बोला कि इससे वो थोड़ा शांत हो गया। यहां पर बातों को कैच करिए, वो केवल एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है और वो हो सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत। और जिस तरीके से नीरज ने एक बात बताई थी, सुशांत सिंह राजपूत कई दिनों से लगातार अच्छी नींद ले रहे थे, मतलब कि बहुत ज्यादा सो रहे थे। उनके पड़ोसन का भी एक बयान आया था जिसमें उसने बात कही थी कि रात के 3 या 4 बजे तक वो जगा करते थे, लेकिन 13 को वो केवल किचन की लाइट जल रही थी, इतनी बात कही थी। इसके बाद उसने कहा, रिया ने कहा, क्या हम उसे दिन में सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं? उसे, यहां फिर से एक वर्ड आया, उसे, वो और उसे केवल एक व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये उसे कौन हो सकता है। और ये ड्रॉप वाला जो आ रहा है ईडी का मामला, इसमें पूरी तरीके से रिया फंसने वाली है। फिर जाकर के जया ने बोला कि दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। ये जो जया जो है ये ड्रग डीलर का काम करती है मुझे ऐसा लगता है, और रिया चक्रवर्ती के साथ ये दोनों मिले हुए हैं। और जब इनका खुलासा हुआ तो इन्होंने, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर में तोड़फोड़ हुई थी, उनके जो डिस्क वगैरह है, जितना डाटा है उसको तोड़फोड़ किया था आईटी वालों ने। इसके बाद उन्होंने बात बताया। फिर रिया ने बोला कि उसकी 3 बहनें हैं, आज आ रही हैं। उसकी 3 बहनें हैं, आज आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें हैं जो कि एक फॉरेन में रहती हैं, और 3 जो बहनें वो लगातार उनसे मिलने जाया करती थी। हो सकती है कि ये 3 बहनें जो हैं ये उन्हीं की बहनें हैं। फिर जया ने बोला, ओह वाह, तुम्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। और फिर रिया ने बोला, हां, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अभी चैट में देखकर मुझे ये लगता है कि ये जो वो उसे 3 बहनें, तुम्हें भी राहत मिलेगी और थोड़ा फायदा हुआ और वो थोड़ा शांत हो जाएगा, ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत का मानसिक जो विचार है वो पूरी तरीके से बदल रखा था, मानसिक तरीके से उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। और इसी यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत किसी भी बात को सामने नहीं रख पाते थे और पूरी रात भर जागा करते थे, उनको नींद नहीं आती थी। और 4 बजे 5 बजे सोने के बाद, जैसे कि पड़ोसन ने उनसे बात कही थी, और दिन में वो लगातार सोया करते थे। ये सारी बातें दोस्तों अब ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि रिया चक्रवर्ती जो है वो, मतलब केवल वो रिया चक्रवर्ती नहीं है बल्कि उसके साथ पूरी गैंग मिली हुई है। और आने वाले समय में जिस तरीके से कंगना रनौत ने एक बात कही कि आप अगर पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर नारकोटिक्स का अगर टेस्ट करवाएंगे तो 99% ऐसे लोग हैं जो मादक पदार्थों का सेवन करते हुए पाए जाएंगे। अब आने वाले समय में क्या होने वाला है ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इसमें रिया चक्रवर्ती नहीं, फिल्मी दुनिया के तमाम लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है। दोस्तों मिलेंगे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।